तो ये वाला है टॉप बॉक्स जो मैंने रिसीव किया है LRL मोटर से। ये इसकी काफी अच्छी फिनिशिंग है। तो अभी ये वाला जो प्लेट है, ये अभी मेरे को जो बैक सपोर्ट है ये फ्री मिला इसके साथ में। तो अभी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसका जो ओवरऑल प्राइस है विद प्लेट जितनी भी शॉर्ट्स राइड होती है एटलीस्ट धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी देन उसके बाद में हम लंबी राइड भी कर सकेंगे, वो चीज की वजह से ही मैंने एक स्पोर्ट बाइक से एडवेंचर बाइक में शिफ्ट किया। तो आज का जो वीडियो है पूरा होने वाला है टॉप बॉक्स का इंस्टॉलेशन और बाकी उसके फीचर्स एंड देन उसकी प्राइसिंग मैं डिस्क्लोज करूंगा लास्ट में। बने रहिए लास्ट तक एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि इसका टॉप बॉक्स का प्राइस कितना पड़ा है मेरे को एंड जो क्वालिटी है आप लोगों को थोड़ी देर में पता लग जाएगी। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका पैकेजिंग कैसे होके आया है। देन उसके बाद में उसकी इंस्टॉलेशन बताऊंगा मैं, इंस्टॉलेशन का एक एक चीज कवर करूंगा जिससे कि आप लोग इस यूनिवर्सल टॉप बॉक्स को आप इजीली माउंट कर सकते हो। जो टॉप बॉक्स की प्लेट है वो किसी भी बाइक में माउंट हो जाती है। तो बिना कुछ देरी किए हुए टॉप बॉक्स का जो पैकेज आया है उसको खोलते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये वाला है टॉप बॉक्स जो मैंने रिसीव किया है LRL मोटर से। 66 BHP का है ये एंड जो पैकेजिंग है क्वाइट गुड, मतलब मेरे को इजीली आराम से पहुंच गया एंड हार्डली इट टुक 3 to 4 days फॉर द डिलीवरी। एंड प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत ही सही प्राइस में पड़ता है। देखो बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग करके दी हुई है, ये पूरा बबल वाला जो आजकल नया टाइप से यूज हो रहा है ये है, इसको साइड में हटा देते हैं। इसका पैकेजिंग वैकेजिंग तो काफी अच्छा है और इधर साइड में भी पूरा बबल रैप हो गया है। अभी ये देखो ये है जो फाइनली अपना टॉप बॉक्स आ चुका है और इसमें मेरे को एक चीज पता क्या अच्छी लगी, ये यहाँ पे ना BMW के लोगो से मैच करता हुआ ये स्टीकर लगा होता है साइड में। बट एनीवेज इसके लिए ना एक अच्छा सा रैप प्लान करेंगे और बाइक के हिसाब से जो भी है उसको मैच करेंगे। इसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। और मैंने स्पेशली ना ब्लैक ऑर्डर किया था, अगर आप लोगों को चाहिए तो सिल्वर भी ऑर्डर कर सकते हो, ऐसा दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। एंड इसी के साथ में आप लोगों को ये देखो ओपन करके यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला स्टिकर होता है यहाँ पे लगा हुआ BMW का एंड दिस इज हाउ इट इज। अपने को ये जो 45 लीटर का टॉप बॉक्स है ये रिसीव हो चुका है, ये है 66 BHP का। टॉप बॉक्स को उठाने के लिए ये हैंडल्स मिल जाते हैं यहाँ पे एंड जो आप लोगों का ओवरऑल लुक है यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। इधर पे थोड़ा सा BMW का जो लोगो है ना उसका डिज़ाइन में स्टिकर मिलता है, मेरे को ये अच्छा लगा। इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है आप लोगों का ब्लैक और एक है सिल्वर। एंड ये बेसिकली आप लोगों को अगर ऊपर कुछ भी बैग सॉफ्ट लगेज रखना है तो ये आप यहाँ पे स्ट्रैप कर सकते हो। और इसी को खोल के दिखा देते हैं, यहाँ पे लॉक है आप लोगों का नीचे वाला जो है ये बाइक में रहता है, जो बाइक में क्लैंप लगता है उसका है। एंड यहाँ पे इसको इस तरीके से खोल के आप लोगों को अंदर का दिखाता हूँ। तो ये खोल के इस तरीके से दिखता है, अंदर अच्छे से कुशनिंग की गई है। यहाँ पे आप लोगों को जितना भी मटेरियल दिखेगा अंदर पूरा प्रॉपरली स्टिच, अंदर जो है पूरा प्रॉपरली स्टिच्ड है जिससे कि आप लोगों को सामान में स्क्रैचेस ना लगे। और इसी के साथ में ना एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मेरे को कि मेरे को जो बैक सपोर्ट है ये फ्री मिला इसके साथ में, विच इज़ वेरी नाइस यार। ये अगर सिर्फ सपोर्ट खरीदते हो तो ये आप लोगों को 7000 के अराउंड का पड़ता है। एंड इसी के साथ में आप लोगों को जो ये है इंस्टॉलेशन करने के लिए एक छोटा सा किट मिला है, तो ये वाला जो है ये मेरे को इंस्टॉलेशन के लिए साथ में मिला है तो ईजी हो जाएगा। एंड ये जो है ये क्लैंप किट है इसको लगाना है। तो बाकी जो है आप लोगों को यहाँ दो चाबी मिल जाती हैं इसकी, ये सेम चाबी आगे ऊपर और नीचे वाले दोनों लॉक के लिए काम करती है। तो अभी इसका जल्दी से इंस्टॉलेशन दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है। तो अभी ये वाला जो प्लेट है ये अभी बाइक के इधर पे ऊपर वाले क्लैंप में लगेगा यहाँ पे इंस्टॉल होके। एंड जो पीछे वाला है ये पार्ट पीछे रहेगा जिससे कि आप लोगों को लॉक लगेगा। एंड ये देखो यहाँ पे परफेक्टली फिट हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसका मैं इंस्टॉलेशन शुरू करता हूँ, वीडियो में आप लोगों को दिखेगा कि किस तरीके से लगाना है।
तो अभी इसको बेसिकली यहाँ से पहले पीछे से सपोर्ट देंगे, इसको बोल्ट को यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ बना हुआ, तो अभी ऊपर वाली साइड से कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोल्ट लगेगा। ये यहाँ पे यूनिवर्सल है तो इसलिए यहाँ पे रैक का इसका इस तरीके से स्टाइल है। एंड ये यहाँ पे जाएगा एंड जो नीचे साइड से है ये चीज़ होल्ड करेगी इस केस के साथ में, इस केस को ये चीज़ होल्ड करेगी। यहाँ से इस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो अभी आप लोग देख रहे हो ये जो तीन है यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। अभी ऊपर से जाए तो ये देखो बेसिकली अभी इससे ही नहीं हिल रहा है, और बाकी ये जो दोनों चीज़ें टाइट हो जाएंगी तो आप अच्छे से प्रॉपरली टाइट हो जाएगा। तो अभी देखो ये चीज़ यहाँ पे जो प्लेट है इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। अभी मैंने ये दो तीन है जो तीन बोल्ट हैं ये दो बेसिकली इसके क्लैंप जो आता है GSA के साथ में यहाँ पे ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तो चीज़ एकदम परफेक्ट फिट होता है। ये जो थर्ड वाला है ये यूनिवर्सल टाइप सा है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्लैंप रहेगा। एंड आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये मैंने इस तरीके से इंस्टॉल किया है। अभी जो बाकी है ये दो भी यहाँ से लेके टाइट कर देते हैं इसको, और जब ये तीन बोल्ट पे टाइट हो जाएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम फिट हो जाएगा। तो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा, देन उसके बाद में ये जो आप लोगों के चार जो हिंजेस हैं यहाँ पे आप लोगों का टॉप बॉक्स जो है स्लाइड होके लग जाता है एंड यहाँ पे लॉक हो जाता है। ये वो भी चीज़ आप लोगों को अभी क्विकली कवर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये माउंट होएगा। तो अभी देखो ये एक पीछे वाला ये इंस्टॉल हो गया, एंड ये जो पीछे वाला इधर लेफ्ट साइड का है ये भी टाइट कर दिया, तो अभी काफ़ी स्टेबल हो गया। एंड जब तीसरा वाला लगा देंगे वो भी टाइट हो जाएगा। देखूंगा अगर यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट वाला रहेगा, वैसे मेरे पास में एक एक्स्ट्रा है जो सेम टाइप्स का बोल्ट है, वो अगर देखेंगे अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए अगर चाहिए रहेगा तो लगा देंगे यहाँ पे अंदर साइड में, उसको यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए मैं ये वाला भी बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, जिससे कि जो ग्रिप है वो अच्छी मिल रही है। तो अभी देखो ये चार बोल्ट यहाँ पे अच्छे से टाइट हो गए हैं, तो अभी परफेक्ट फिटिंग आ गई है। ये यहाँ पे एक अंदर लगाया है, एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और एक पीछे इस वाले पार्ट को हैंडल करने के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे अच्छा खासा मतलब इतना हो गया है कि बाइक हिल रही है अगर मैं इस रैक को हिला रहा हूँ। अब इसको आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं टॉप बॉक्स को कैसे माउंट करूँगा। तो अभी देखो टॉप बॉक्स को माउंट करना बड़ा इजी है। इसको बेसिकली यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये वाला, ये जो गैप्स है यहाँ पे फिट होएगा एंड इसको बस स्लाइड कर देना है। अभी देखो यहाँ पे नीचे से स्लाइड करके यहाँ पे जब पूरा दोनों साइड में बराबर से एंड तक आ जाए तब आप लोगों के जो ये हुक है यहाँ पे एंगेज हो जाएगा और इसको बस इस तरीके से क्लिप कर देना है। लुक एट दिस, बहुत स्टडी है। अभी आराम से देखो कितना मतलब हिल भी नहीं रहा है, बहुत ही सही है यार। और इसको यहाँ पे देन ओपन करना है, तो मेरे पास में कीज़ है, मैं कीज़ से ओपन कर सकता हूँ इसको। कीज़ शायद मैंने अंदर ही रखी है। तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यहाँ से हिंज हटा के देन दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग। तो ओवरऑल इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके से था। अभी जो है आप लोगों को फाइनली इस तरीके से माउंट होके मिल जाएगा। एंड तो अभी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसका जो ओवरऑल प्राइस है विद प्लेट दैट इज़ 14,900। तो आप लोग प्राइस कंपेयर करके देख सकते हो बाकी जितने भी टॉप बॉक्स हैं उनसे, एंड विद दिस बैक सपोर्ट विच इज़ कमिंग फ्री। और थक गया भाई इंस्टॉल करते करते, सेल्फ है बट तभी थोड़ा मेहनत लगता है। मेहनत ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड अभी इसको यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। व्हाइट वाला जो ग्लू है ये इधर से निकलेगा, ये ऊपर लगेगा यहाँ पे इस तरीके से एंड डन। तो ये भी लग गया है
सो गाइज आप लोगों ने देखा जो 66 BHP का टॉप बॉक्स मैंने रिसीव किया था उसका इंस्टॉलेशन कितना ही इजी है, हर कोई अपने घर में कर सकता है एंड जो किट है वो साथ में मिलती है तो आप लोगों को कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड जो प्लस का काफी लोगों की क्वेरीज मेरे को आ गई थी स्टोरीज पे ही जब मैंने शेयर किया था कि मैंने ये टॉप बॉक्स लिया है, वो बहुतों ने पूछा कि आपने BMW का टॉप बॉक्स क्यों नहीं लिया या फिर GV का टॉप बॉक्स क्यों नहीं लिया। तो उसमें मेरा रीजन ये है कि देखो मेरे को ज्यादा टॉप बॉक्स यूज नहीं करना होता है, मेरा रीजन ये रहता है कि मैं कभी भी एक बिलियन के साथ में राइड करूं तो उस टाइम पे मैं टॉप बॉक्स को लगा के जाऊं जिससे कि जो टॉप बॉक्स का बैक सपोर्ट है वो पिलियन को मिले एंड जो बाकी छोटी मोटी राइड या सिटी के अंदर जा रहे हैं तो वो इजीली आप सामान उसमें कैरी कर सकते हो। मेरा मेन रीजन ये था, बट अदरवाइज मतलब एडवाइजेबल हमेशा यही रहता है एडवेंचर बाइक्स में कि आप सॉफ्ट लगेज लेके चलो जिससे कि आप ऑफ रोडिंग कर पाओ, क्योंकि जो टॉप बॉक्स का होता है एल्यूमिनियम भी अगर आप ले रहे हो तो भी उसका जो वेट है काफी ज्यादा हो जाता है, तो वो एक मेरा रीजन रहा। और प्लस जो प्राइसिंग देखी जाए तो प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग मेरे को पड़ी 14,900 रुपीज की, विच इज वेरी रीजनेबल। और जहाँ की आप अगर जीवी और इन बाकी टॉप बॉक्स देखोगे तो सिर्फ टॉप बॉक्स का जो प्राइस है वो रहता है 42,000 रुपीज का 45 लीटर के लिए, एंड उसके अलावा जो बैश जो प्लेट रहती है माउंट करने के लिए टॉप बॉक्स को वो 70,000 रुपीज की सिर्फ प्लेट आती है, उसके बाद में जो पैडिंग होगी आपका पिलियन सपोर्ट के लिए वो अलग रहती है। तो ये मेरा मेन रीजन था ये वाला टॉप बॉक्स परचेज करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो भी टॉप बॉक्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेरीज है यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज नदीम व्लॉग्स, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिस इज नदीम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.